एक ऐसा देश है जिसमें केवल एक ही आदमी रहता है, वो देश कौन सा है? तो उत्तर दिया, एक एवेश्वर स्तुर्यो भगवान स्वाश्रय पर। बोले ये देश कोई और नहीं है, पूरा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक देश है। तो इसमें रहने वाले जो भगवान है वो एक आदमी है, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति कौन है? भगवान। समझ में आया आप लोगों को? आया? ध्यान से सुन रहे हो? समझ में आया? क्या बताया? एक मिनट सुन लो पहले, बहुत अच्छी बात है। ये विश्व ब्रह्मांड क्या है? देश है। और इस देश में रहने वाला एक व्यक्ति कौन है? भगवान है। समझ में आ गया? लेकिन उन लड़कों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, देवर्षि आपने जो कहा हमने मान लिया, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई। बोले क्या? आप कहते हो पूरे विश्व ब्रह्मांड रूपी एक देश में रहने वाला एक व्यक्ति भगवान है, तो हम लोग क्या इस देश के बाहर रहते हैं? हम भी तो इस विश्व में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, हम कहां जाएंगे? हमारी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा समझाते हैं, देखो अच्छा आप भी समझ लो, लेकिन बोलना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य कितने हैं तो क्या बोलोगे? एक। और यहां ये गार्डन है पास में, उसमें अगर 500 घड़ों में पानी भर के रख दो तो सूर्य कितने दिखाई देंगे? 500। जैसे जैसे घड़े बढ़ते जाएंगे सूर्य की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और मान लो 5 करोड़ घड़े हों, और 5 करोड़ घड़ों में पानी भर दिया जाए तो सूर्य कितने दिखाई पड़ेंगे बोलो? 5 करोड़। 5 करोड़ सूर्य दिखने के बाद भी कोई आपसे पूछे सूर्य कितने हैं तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो। एक। अब कोई पूछे कि सूर्य तो तुम बोल रहे हो एक है, लेकिन दिखाई तो 5 करोड़ पड़ रहे हैं, तो आपसे कहा जाएगा भाई सूर्य तो एक ही है, ये तो उनकी छाया प्रतिबिंब पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देवर्षि नारद जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में रहने वाला परमात्मा तो एक ही है, हम और तुम तो घड़े हैं जिसमें उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, छाया पड़ रही है। अब समझ में आया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।